मुंबई से एक दुखद खबर सामने आई है। गणपति उत्सव के दौरान एक दुखद हादसा हुआ है। जी हाँ, मुंबई से सटे पनवेल में गणपति विसर्जन के समय 11 लोगों को बिजली का झटका लगा है। महाराष्ट्र के पनवेल में मुंबई से सटा है पनवेल इलाका, जहां पे गणपति विसर्जन के दौरान 11 लोगों को बिजली का शॉक लग गया है, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 7 लोगों को पनवेल के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पनवेल में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों को बिजली का तेज झटका लगा है। आपको बता दें, उप जिला अस्पताल पनवेल के जहां पे लोगों को भर्ती कराया गया है, वह आपको बता दें यहां पे 11 में से 7 घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं 2 लोगों को पटवर्धन अस्पताल में, तो 2 लोगों को लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, घायलों में 2 लोगों को ICU में रखा गया है। जानकारी मिली है कि विसर्जन के समय जनरेटर के बिजली का तार, यानी जो जनरेटर प्रोड्यूस कर रही थी बिजली, उसका तार खंभे पर डालते समय तार टूटने से यह घटना हुई है, जिसमें 11 लोगों को बिजली का झटका लगा है। फिलहाल इन सभी का इलाज किया जा रहा है।